युद्ध में तो योद्धा वीरगति को प्राप्त होते ही आचार्य। तो क्या मैं वीर नहीं हूं आचार्य? मैं क्यों नहीं प्राप्त हो गया वीरगति को? अभिमन्यु तो अभी छोटा सा बालक था आचार्य, छोटा सा बालक था। हम सब ने इस युद्ध के नियम तोड़कर उसका वध किया है, जबकि वे नियम स्वयं हम लोगों द्वारा ही बनाए गए थे। मैं तो इतना लज्जित हूं आचार्य कि मैं गंगा पुत्र के पास जाने का साहस भी नहीं कर पा रहा हूं। यदि वो मुझसे पूछ बैठे, आचार्य द्रोण तुम भी, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? कृपाचार्य, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आचार्य। बैठो जयद्रथ। कल सूर्य के उदय होते ही तुम्हें युद्ध करना है नरेश, तुम्हें विश्राम करना चाहिए था। मेरे हृदय में कांटा खटक रहा है गुरुदेव, और आप ही मेरे हृदय से वो कांटा निकाल सकते हैं। आप मेरे भी गुरु हैं और अर्जुन के भी, फिर वो आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य क्यों है गुरुदेव? उसके सर्वश्रेष्ठ होने में मेरा कोई हाथ नहीं है वत्स। मैंने तो तुम दोनों को एक ही सी शिक्षा देने का प्रयत्न किया था, किंतु वो मेरी दी हुई शिक्षा से संतुष्ट होकर बैठा नहीं रहा। उसने मेरी दी हुई शिक्षा को आधारशिला मानकर अपनी धनुर्विद्या का दुर्ग बना लिया था, और तुम मेरी दी हुई शिक्षा से संतुष्ट होकर बैठे रहे। किंतु यह घबराने का विषय नहीं है वत्स। मृत्यु तो हर जीवन का अंतिम सत्य है वत्स। मृत्यु कायर की भी होती है और वीरों की भी। निसंदेह अर्जुन मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, किंतु मैं स्वयं कौरव सेना का प्रधान सेनापति हूं। क्या अभिमन्यु वध में मैं तुम्हारे साथ नहीं था? कल भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा सिंधु नरेश, कल भी तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व तो मेरा है, इसलिए अपने शिविर में जाकर सोने का प्रयत्न करो।